हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामिन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? हम लोग तो अच्छे माशाल्लाह। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, हो गई है शाम, क्योंकि मैं सुबह से आई तो काम में ही बिजी हूँ। और अभी चल रहा है हेयर एक्सटेंशन, उस पर कलर ट्रीटमेंट, तो देख सकते हो आप लोग सब काम कर रहे हैं और क्लाइंट भी बैठे हैं जो आए लोखंड वाला जोगेश्वरी से। और अभी जाना बाहर बात कर रही है क्योंकि महक आई आज, तो महक से थोड़ी सी बातें शातें हो रही है। और शाम में हम लोग कहीं जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, फिर हम लोग को कल भी कहीं जाना है, किधर जाना है, क्या काम है, बिजी है, कैसे क्या करेंगे, जो भी हो सब आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके पहले फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि शाम में हम लोग कहीं जाएंगे कुछ काम से। ये भी काम जरूरी, वो भी काम जरूरी, सारे काम जरूरी है। और हमारा पिछला ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि रात में हम लोग गए थे, थोड़ा बहुत थक गए थे, फिर भी याद आया तो हमने ब्लॉग भी एंड किए। तो उसके बाद ऊपर हम लोग जाकर थोड़ा बहुत आप लोग को सामान दिखाया, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, वार्डरोब बेड, तो कैसा लगा। और फिर ये ब्लॉग में कुछ ना कुछ आप लोग को देखने मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो चलो फटाफट काम करते, फिर मिलते हैं गाइस। ओ हमारा बच्चा आया रे बाबा, ये मेरा दूसरा बच्चा आया रे, पढ़ाकू बच्चा बाबा। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फाइजू? ओ हमारा छोटा बटर, ओ छोटे बटर। मेरा बच्चा, मेरा शेर, मेरा लाला, मेरा चीता, चीता। चलो चलो आते फिर। और ये सब चीज समझ गई है ना। देखिए पढ़ाई की बात हो रही है, ये देखे जैन। जैन अभी आएगा, जैन के लिए, जैन के लिए 50 रुपया दे दे, 50 रुपया दे देना। चलो अभी जाओ, तो वरना रुक जाओ, सबूत में देखो ब्लॉग दिखा रहे हैं। लोग आ गए डिलक्स, जारी जी भी आ रही है ना। पर हम लोग रास्ता क्रॉस करके आ गए ट्रैफिक के, बाप रे बाप। चलो फिर देखते भी क्या ऑर्डर करते हैं। दाल गोश्त, ये हमारी फेवरेट चाय, डिलक्स और चाइना पर ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। पुराना तेरा मेरा रिश्ता, पुराना तेरा मेरा रिश्ता, चाय वो भी डिलक्स की, डिलक्स की चाय। चल रही है जोया की पढ़ाई, रात के बज रहे 1 है ना। और यहाँ बैठा मेरा मैनेजर, हर डायलॉग में मैनेजर है ना तू, तो पागल। जामिन सैलून का मैनेजर है तू, सैलून का मैनेजर है तू, पागल। लोग देख सामने से हम लोग को इनवाइट करते, बड़े लोग है, बड़े लोग बैठे। अभी चल रही है की पढ़ाई, रात का रूटीन भी हो गया हमारा, और हमारा मैनेजर ही बैठा है, जारा उसको पढ़ा रही है, और मेरा मम्मी बैठे चाय वाय पी रहे है ना। जामिन सैलून का मैनेजर है तू, पागल। लोग सामने से अपन को बुलाते, समझा क्या बोलते है ना, पैसे भी नहीं लेते पैसे, अपन बिजनेस करते बिजनेस। जामिन नाम सुने के, नाम नहीं ब्रांड है। हाँ ब्रांड है, ब्रांड समझा, ऐसी कोई छोटा मोटा नहीं है, नाम चलता है अपने काम से। अपना काम क्या पता है ना। फिर तो चल रही पढ़ाई, ठीक है सुबह इसको लेकर जाना है ना। चलो फिर पढ़ाई भी होते रहेंगी और आप लोग को अपडेट भी मिलते रहेंगे। फटाफट सैलून पे, जैसे मैंने आपको बता दी कि हम लोग को सुबह कहीं जाना था, तो वो बारे में बाद में आपको बताऊंगी मैं, है ना। तो चलो फिर फटाफट सैलून पहुँचते, कि क्लाइंट आ चुके हैं। कहाँ से बैंड्रा से ना, तो हम लोग सैलून तो कब का आ गए, और अभी चल रहा है सारा काम, कलर हेयर ट्रीटमेंट, और वहाँ पर बेबी का हो रहा है। तो देख सकते हो जोरों शोरों में ओनर काम कर रही है ना भाई, क्या करेंगे अभी, लेकिन जो भी है अच्छा है, मजा आ रही है ना। तो जिस किसी को भी करवाना है जामिन सैलून से, जामिन सैलून के ओनरों से काम, तो विजिट करो जामिन सैलून में, है ना।
तो हो गई हमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई, रेडी वेडी हो गए, अभी जा रहे हैं हम लोग सैलून पे क्योंकि काम है ना। दो तीन दिन से आप लोग देख ही रहे कि हम लोग ब्लॉग भी थोड़ा बहुत शूट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले पा रहे क्योंकि काम है, तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी क्लाइंट आने वाले थाना से 2:30 बजे, तो चलो फिर मैं अभी निकलती हूँ और शाम में कहीं जाना भी है हम लोग को, किसी ने इन्वाइट किया है तो वो भी मैं यही ब्लॉग में बताऊँ कि ब्लॉग वैसे भी थोड़ा बहुत ही बना है तो इसमें हम लोग शूट कर देंगे, लेकिन ब्लॉग लास्ट तक देखना है ना, ब्लॉग लास्ट तक देखेंगे तो सब पता चलेगा। तो अभी चल रही है पढ़ाई, जोया की चल रही है पढ़ाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात से कोई आने वाला है तो ये रोजीना आए हुए हैं और ये बहुत बड़े फैन है हमारे। माशाल्लाह हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि गुजरात से इन्होंने विजिट किया जामिन सैलून में, ये इतनी दूर आए हुए है ना, 4-5 घंटे का सफर करके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। घंटे का सफर करके यार कल निकले थे काम से ना, कल हम निकले थे सुबह वहाँ से 11:50 को, मतलब इनका कुछ काम भी था क्या, 6 बजे पुगे। अच्छा तो आपसे हमसे मिलने इतनी दूर से, तो अभी इनका कुछ है ट्रीटमेंट भी फेस का, तो देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ी सी इनसे बातें कर लेते हैं फिर मिलते हैं। अभी जो बैठे मेरे सामने उनका फेस दिखा सकते हैं, पर मेरे जितने भी घर वाले देखेंगे ना उनको, तो मेरी अम्मी हो गए, मेरी बहन हो गई, तो बोलेंगे अरे उसना कहाँ से आ गई, हासन से सीधा मदाड़ में आ गई। तो सेम वैसी है उनका कद, बात करने का स्टाइल, दिखने का वैसी है सेम, कॉमेडी जो मोटे मोटे भैया हाँ उनको भी दिखा नहीं सकती, पर सेम वैसी हो, कुछ भी फर्क नहीं, बहुत एंजॉय होता है उनको, माशाल्लाह जब वो आते हैं तो माशाल्लाह हाँ बहुत बहुत मजा आता है, लगता है क्या इंशाल्लाह। देखिए इनकी आवाज आ रही होगी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी, कहा रहे थे खाने में, चलो फिर काम वगैरह हो गया। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत से पार्लर में, बहुत से सैलून में काम करके जाते हैं तो क्लाइंट जब वॉश के लिए आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको सैलून का, हमारे हमारे काम का, जैसा नाम है, जैसा हम काम करते हैं, जैसा पहली बार आपको किया है वैसी आपका रिजल्ट है कि कुछ भी चेंज हुआ है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जामिन सैलून का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, कि हम इतने बड़े फैन हो गए कि हम वॉश के लिए दोबारा भाग के आए हैं माशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा, बाल तो हमारी जो दूसरी जो दूसरे नंबर वाली जो करवाई है वो उनका कर्ल्स तो बहुत ज्यादा था, अब लग नहीं रहा कि वो कर्ल्स है, एकदम स्ट्रेट हो गया बाल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। और ये चीनू, आई लव यू चीनू, आई लव यू टू। और ये आफ्टर रिव्यू था इनका क्योंकि इन्होंने कैरा स्मूथनिंग करवाए थे, इन्होंने कलर करवाए थे, हेयर ट्रीटमेंट करवाए थे, लेकिन हेयर देखकर भी आप बोलोगे नहीं कि इन्होंने स्मूथनिंग करवाए, जैसे कि ट्रीटमेंट नहीं करवाए, लेकिन माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जामिन सैलून का। तो विजिट करो, ऑफर का उठाओ फटाफट फायदा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ बोलेंगे आयशा जी? जी आपकी तो बातें अच्छी, आप बोलिए ना कुछ। नहीं नहीं वाकई बहुत अच्छा है, और आप दोनों की जो जोड़ी है वो मुझे बहुत पसंद आई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोग को ऐसे ही साथ रखे, बनाए रहे मस्त, दोनों में मोहब्बतें कूट कूट के भर दे। शुक्रिया आपका प्यार करने का, और आप कितनी दूर से, और आप आपकी फैन हो गए कि आप अलर्ट में आए हो कि तभी भी भागे आ रहे थे, इतने दूर से आए, वो भी देखो वो भी विरार से आए ना, विरार ना थाने से आए, और मलाड आना बोले तो दूरी पड़ता है, लेकिन आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, विजिट अगेन जामिन सैलून, बाय बाय, लव यू। ये रील्स पे था लो सर। तो जैसा कि आपको पता है कि रोजीना जी हमारे सैलून पे आए हुए, इनका हो गया है ग्लोबल कलर और कैरा स्मूथ और हेयर कट, तो कैसे लगी आपको जामिन सैलून की सर्विस? मुझे माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी आपकी सर्विस, और एकदम से मेरा लुक चेंज कर दिया आपने माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये भी 3-4 घंटा हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा, ऐसी विजिट करो फटाफट, ऑफर का उठाओ फायदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हम मोहम्मद अली रोड पे होटल में, हमारा जूड़िया होटल है ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आप आओ परसों, फर्स्ट वॉश आपका रहेगा, वो करो आएगा सर।
ब्लॉग मिलो तो उनका भी बहुत अच्छा लगा आपसे विशेष आप लोग इतना पसंद करते हो वही बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम से और हमारे नाम से आप लोग हमको जानते हैं, यही हम लोग के लिए बोलते ना। मैं दोबारा आती रही हूँ सुबह आ जाओ तो चलेगा ना। कितने बजे आओगे आप? सुबह में 2 बजे आ पाऊँ, दोपहर में खाली रहेगा रोड भी। दोपहर में 2 बजे हाँ। उससे ज्यादा 12 बजे तक बस तो है। तो अभी चीनू कुछ बोलेगी नहीं। देखो आज का चीनू का मस्त माशाल्लाह आउटफिट, चुप रे। हाँ इस कुर्ते इस टी शर्ट का प्राइस वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत महंगा भाई माफ करो यार ये चीन बताओ। अरे वाह, इस टी शर्ट का प्राइस आप लोग को यकीन नहीं होगा, इस टी शर्ट का प्राइस है 3999 मतलब 3999। क्यों? कि चीनू को उसका कलर बड़ा पसंद आया और चीनू ने होल्ड रखवाई थी कम से कम 2 महीना साइज वाइज मंगवा के, मैं 1 महीना वो टन बहुत पसंद आया था चीनू। ये मेरा आज का आउटफिट है एक नंबर, मतलब हाँ इसका पैसा जाने दो, मैं इतना गरीब इंसान हूँ। गरीब ना पूरी चीनू ऐसा क्यों बोल रही पता है? उसका मौन बनाते हैं आज। नहीं मतलब चीनू खाती है जो खाती है मुंह में भरा हुआ है तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती। जागरण पे अलग म्यूजिक था। हाँ ऊपर के एकदम पे ना इस पे अलग म्यूजिक होती, नीचे एकदम पे अलग म्यूजिक होती। देखो मैं बोली अभी मेरा मुंह बंद कर दे जा रहे थे तो हाँ, टन 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 6 फ्लोर पर हम लोग ना जाकर नीचे उतर रहे, हम लोग कैसे ऐसा होते और ऊपर के नाम पे कैसी होती है टो 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 तो अभी हम चले चिंदा कौन है ये मैनेजर आ गए नीचे? किसने इनवाइट किया आज तुमको? किया है बस किसी ने इनवाइट, तो चल के बताते कि कहाँ पर जा रहे हैं क्या करेंगे। चलते हैं कि क्या सैटरडे भी है लेकिन हम लोग को इनवाइट किया, चलो फटाफट चलते। तो ये देखो क्या जाना बना हुआ, ये देखो मैंने चीनू को चैन और ये हार्ट बीट है गिफ्ट किया हुआ है। बताओ मस्त है चीनू के गले की नीचे रखो थोड़ा सा भाई ये रखो। ये देखो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, हार्ट बीट बनी हुई इसके अंदर। तो आज हम क्या करते हैं, आज देखो हम लोग इनसे मिले, मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखती हूँ बनाती भी हूँ मैं। अरे बस वो तारीफ करते बहुत अच्छा बनता है खाते हैं और आपसे भी अच्छा भी लगता है मुझे, मैं पहले से फॉलो करती हूँ आपको। आना कभी घर से आओ पक्का पक्का बहुत अच्छा लगा। नंबर दो तुम्हारा जो नंबर है आ गए BKC। हाँ वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। नंबर 15 है बोल चुकी देखो धीरू भाई अंबानी आ गए हम लोग BKC। हम लोग आ जाए थे स्वर्णा पैलेस और मैं जाना को भगा भगा के लेकर आई क्योंकि मेरी जो चैन थी ना गले की वो टूट गई थी और अच्छा टूट के पत्ता घर में मिला ना जाना। और देखो मैंने कितना अच्छा पहनी हूँ, हार्ट बीट है इसमें बहुत प्यारा डायमंड्स वाला है, मैं डायमंड वाला पहनती नहीं पर जाना की पसंद है। और चैन भी कितनी अच्छी लग रही फिटिंग की मस्त, गोल्ड और डायमंड है बहुत मस्त लग रहा है। तो भगा भगा के लेकर आए काम करी वैसी बोले चलो परेशान क्योंकि मेरी चैन टूट गई, ये बंदे ने इसने कल मेरी चैन का पत्ता निकाला है ना। अरे कहाँ से निकाला था? मोरी में से। और अच्छा मोरी मिल गई देखे। और चीनू की कोई चीज टूटे ना उसको सब्र बिल्कुल नहीं होता, फिर कितने भी तुम क्यों ना बिजी रहो तुमको आना है मतलब आना सब काम छोड़ के चलो पहली फुर्सत में। तो स्वर्णा पहले से हम लोग अपॉर्चुनिटी मिले बहुत अच्छा लगा और मैं उनकी काफ़ी वीडियोस देखती हूँ पहले से,
उनके खाने पकाने की बहुत देखती हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिए इंशाल्लाह जो स्वर्णा पैलेस के आपको आईडी पे मिलेगा। उनको भी इतना पसंद करते माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और चलो फिर अभी आपसे भी कहीं जाने का है, चलते हैं फिर, है ना। और छोड़े आया। मन
जिसे मिला रहे आपको, तो ये मेरा मैनेजर, हमारा मैनेजर। कैसा लगा आपको? मजा आ रही ना, बहुत खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे मैनेजर, बहुत अच्छा लग रहा हमारे ये पकड़ नहीं पा रहा इतना दुबला सुख मैं हूँ ज़ारा। हाय, मैं हूँ मीनास। और हम हैं ज़ामिन। तो आज हम आए हुए हैं टर्किश पफमेन, जैसे कि गुड्डू भाई और साजिद भाई ने हमें इनवाइट किया था, तो हमें आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और सबसे पहली चीज, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, खाना लाजवाब, बहुत अच्छा। इतना नहीं, 10 out of 10 नहीं बोलूंगी, 10 out of 100,000, बिकॉज मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा यहाँ का एम्बियंस लगा और स्टाफ का जो है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं रेकमेंड करूंगी एक बार प्लीज आप लोग टर्किश पफा बैंड्रा वेस्ट, है ना? हाँ बिल्कुल, और आना और मस्त एंजॉय भी करना। हाँ। और जो हमने जिनसे मिले भाई लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो फटाफट विजिट करो, फटाफट विजिट करो टर्किश पफा में, मिलते हैं यहाँ, बाय। हाय, मैं हूँ मीनास। और हम हैं ज़ामिन। तो आज हम आए हैं टर्किश पफ, गुड्डू भाई और साजिद भाई ने हमें इन्वाइट किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ का एम्बियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसा लगा मैं तुर्की में आ गई बहुत अच्छा और लगा। खाना लाजवाब, बहुत अच्छा खाना। और आपका जो हमें, मतलब जैसा आपने बैठ के हमारे साथ वक्त बिताया, बहुत अच्छा लगा। तो हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं, जो जो हमें फॉलो करते हैं, आप लोग हमेशा हमें पूछते हैं, हम लोग हर नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे प्लीज यहाँ पर विजिट करें। साजिद भाई थैंक यू सो मच, इनवाइट करने के लिए थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज फटाफट विजिट करो टर्किश पफ बैंड्रा वेस्ट में, तो हम भी आते रहेंगे, है ना? मेरे भाई का हमारा है, हमारा है, हमारा है टर्किश पफ, मिलते हैं टर्किश, बाय। पक्का भाई, बहुत अच्छा। तो ये फर्स्ट फ्लोर बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पार्टीज वगैरह भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे पूरी पार्टीज आप कर सकते। हाँ, सब कर और सकते। एक मैजिक बताते हैं, अभी 2 मिनट रुकी है। हाँ। जरूर मैजिक बनाए, एक तो ये बहुत प्यारा है, बहुत। हाँ, ऊपर देखना, ऊपर कितना भी आ रहे है ना, बहुत 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 क्लास, मतलब आउटस्टैंडिंग ये वर्ड आता है, बहुत अच्छा है। और इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है वो दिख रहा है। तो यार प्लीज, जो भी हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आप लोग हमेशा बोलते हो सारा समय आप लोग कहाँ जाते हो, आप लोग इतना मतलब एंजॉय करते हो, तो यहाँ पर जरूर विजिट करो, हम लोग भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि बैंड्रा तो हम लोग आते हैं, है ना? बैंड्रा तो हम लोग आते हैं, शॉपिंग करने आएंगे ना जैसा, तो हम लोग इधर आ जाएंगे। वैसे भी मेरे को 2-3 दिन पहले कोई मिला था कि मेरे खाने की जगह है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बिल्कुल। तो प्लीज टर्किश पफा ने यहाँ का खाना, राइस यार बहुत अच्छा था, राइस तो जरूर आएंगे, ठीक है, मिलते, बाय। सो गाइस, तो हम लोग आ गए घर पे, और घर पर अभी जस्ट आए, बज रहा है, हम टाइम हो रहा है 2 बज गया, लेकिन हम लोग 1:30 बजे माशाल्लाह बैठे हैं, लोग से बातचीत कर रहे थे, लोग की राम कथा सुन रहे थे हम लोग, क्या दिन भर का रूटीन क्या था, पढ़ाई कैसी हुई, लोग को बर्गर और प्राइस दिए थे ना पुणे ऑर्डर करके, तो लोग घर में पार्टी मना रहे थे, हम लोग बाहर गए थे, जाना ही बैठे, थक कर बैठे हुए हम लोग, और लोग कैसे हंस रहे, लोग देखे और कैसे रही पढ़ाई, बुआ करना पास हो जाए हमारे बच्चे। हाँ, सोया मजा आ रही की नहीं आ रही? बहुत मजा आई। क्या खाई? पिज्जा बर्गर खाई, माशाल्लाह। और गई थी फिर 7 नंबर नानी के लिए, मिम्मी के लिए, वो मजा आई। और हम लोग गए थे आज टर्किश पब, देखे आप लोग ने, वहाँ पर हम लोग ने बहुत इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आई हम लोग को, और उन्होंने हम लोग को इनवाइट किए थे, तो वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, है ना, इनविटेशन हम लोग का आया था, और इतना इंतज़ार कर रहे थे हमारा, और बहुत पहले से हम लोग को फॉलो करते हैं माशाल्लाह,
तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा वक्त बीता है ना नाना। बिल्कुल। तो चलो फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज लेकर। दुआ में याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरा जमीन को ऐसे प्यार करो, सपोर्ट करो और दुआ में ऐसी याद करो। और मेरी चैन कैसी लग रही है, और ये लॉकेट, ये चाबी, और इसमें हार्ट बीट है ना। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़।